की कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सांपों के जहर की सप्लाई मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से लखनऊ में ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की, लेकिन ईडी ऑफिस से बाहर निकले एल्विश ने अपना गुस्सा मीडिया पर उतार दिया। सवाल पूछने पर बौखला गए और बोले, घर जाओ, तुम लोग भूखे मर रहे होंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं जी, एल्विश जी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। साइड हटो भाई, खाना खाओ, अपने घर जाके भूखे मर रहे होगे तुम लोग, जाओ। देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं जी, एल्विश जी, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी, एल्विश यादव ईडी दफ्तर से दौड़ते भागते हुए निकले, मीडिया के सवालों के जवाब देने से इनकार करते रहे। उन्होंने कहा मुझे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, और यहीं से एक इनोवा गाड़ी में सवार होकर यहां से निकल गए। ईडी ने 8 घंटे से ज़्यादा एल्विश यादव से लखनऊ के जोनर कार्यालय में पूछताछ की। एल्विश से क्या कुछ पूछा गया, हालांकि उसके बारे में सीधे तौर पर जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि एल्विश यादव के मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं, एल्विश यादव के मोबाइल को ट्रैक किया गया, लोकेशन निकाली गई हैं, एल्विश यादव के फेसबुक व्हाट्सएप को भी तलाशा गया है, और साथ ही साथ एल्विश यादव से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां जो उनके आईक्लाउड पर थी उसे भी ईडी ने यहां खंगाला है। 8 घंटे से ज़्यादा हुई पूछताछ के बाद एल्विश यादव यहां से रवाना हो चुके हैं। अब ईडी उनके दिए गए बयानों का मिलान करेगी, और अगर संतुष्ट नहीं होती तो हो सकता है एल्विश यादव को दोबारा आना पड़े। देखना होगा अगली इन्वेस्टिगेशन में ईडी क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।